जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, एक बच्ची काफ़ी पीड़ित है और दर्द से, पेट के दर्द से काफ़ी मतलब परेशान है। तो कहीं से वो दवा ली है, उसको आराम नहीं मिला है। तो दोस्तों दोबारा हमारे पास आई हुई है, तो देखिए हम किससे उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप वीडियो में शुरू से ले कर अंत तक आप बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, आइए बैठिए। क्या दिक्कत है आपको? सब पेट हो रहा है। तो दोस्तों इनका सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इनका ब्लड प्रेशर जो है बहुत कम है। इनका आ गया है 85-55 पर। तो ब्लड प्रेशर 85-55 पे है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर इनका काफ़ी कम है। तो दोस्तों अब आप जानिए, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या क्या कारण हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में आपकी सुस्ती पना सकते हैं और थकावट महसूस होंगे, आपके अच्छे नहीं लगेंगे, इधर उधर तमाम भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इस बच्ची का देखिए इलाज करने जा रहे हैं। अब आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। और ये बच्ची यही है, आप देख लीजिए, यही बच्ची है और हम ले जा रहे हैं इनको। अब ट्रीटमेंट करेंगे, इंजेक्शन वगैरह जो भी लगेगा उसको हम लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस बच्ची को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए। मिट्टी का नाम ऐसे हाथ पैर पे हटाइए, हाथ पैर कीजिए, हाथ पैर कीजिएगा, आपको वैसे का नहीं। इसी तरीके से इनको देखिए इंजेक्शन लग गया है। अब इंजेक्शन हम लगाने जा रहे हैं, ज़रा कैमरा आगे कर दें। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से इनको इंजेक्शन लगने जा रहा है और लग रहा है। आप इनको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी इनका इंजेक्शन और भी बाकी है। अभी इंजेक्शन इनको हम कमर पे लगेगा और कमर वाला इंजेक्शन अभी लगाने जा रहे हैं। और हमारी वीडियो में आप बने रहिए, ऐसे हम दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, इनका इंजेक्शन, इनका इलाज हो चुका है और इनको कमर वाला इंजेक्शन बाकी है। अब कमर वाला इंजेक्शन हम लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से ले कर अंत तक आप बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, लगाने जा रहे हैं।
तो दोस्तों अब देखिए इंजेक्शन रेडी हो गया है, अब इनको हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं आईएम। तो आईएम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इसमें कई लोगों ने हमें बताया है कि कई लोगों ने कमेंट में मतलब किया है कि आप 17 से 18 साल की बच्ची का जो है कमर में इंजेक्शन लगाइए, उसको दिखाइए किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों अब वो दिन वो समय आ चुके हैं, आप देरी ना करिए, ध्यानपूर्वक से देखिए। सीखने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए हम बता रहे हैं निडल किस तरीके से पकड़ना चाहिए, किस तरीके से इसको पूरे 90 अंश में पूरे इस तरीके से पूरा अंदर निडल जाना चाहिए। तो इसी तरीके से इंजेक्शन लगेगा, पूरा यहाँ तक पूरा इसको घुस जाना चाहिए मांस में, तब यहाँ से आप इसको पुश करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से पुश करेंगे तभी जैसे मांस में है तो इस तरीके से शुरू कर करें इसको आप सीधा आप 90 अंश पे लगाइए। देखिए सीधा आप अंदर जाएगा, अभी आप वीडियो में बने रहिए, अभी बता रहे हैं दिखा रहे हैं।